आपके इंटरव्यू में, आपके एनवीएस के इंटरव्यू में या केवीएस के इंटरव्यू में जितनी बारीकियां होती हैं सब पे मैं बात करूंगा, है? लेकिन मेरा मानना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन इज द ओनली इंप्रेशन. कहते हैं कि इंटरव्यू का एक पॉलिसी होता है, उसको बोलते हैं किस पॉलिसी. और देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, इंटरव्यू होता नहीं है बल्कि इंटरव्यू बनाया जाता है. अ वार्म वेलकम टू मौर्या, मैं आपका अपना निशान जसवंत. तो आज के वीडियो में आपसे हम बात करेंगे हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन, आप खुद का परिचय कैसे देंगे. देखिए ये क्वेश्चन तो स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल, ये तो क्वेश्चन होना ही है आपसे. वो तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि खुद के बारे में बताएं या तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को. तो देखिए कुछ लोग कैसे कहते हैं, वो बोलेंगे कि माई सेल्फ राज. नाम तो सुना ही होगा. नाम तो सुना होगा, है ना. देखिए तो कुछ लोग स्टार्ट करते हैं माई सेल्फ सचिन, माई सेल्फ गौरव, लाइक दिस वो स्टार्ट करते हैं ना. देखिए अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, मेरे अनुसार माई सेल्फ शुरुआत में कहना सही नहीं है, है ना. ऐसा लगता है कि माई सेल्फ जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पोलाइट नहीं है, है ना. उसमें एक एटीट्यूड का भाव आता है ना, पोलाइटनेस नहीं है, विनम्रता नहीं है. इसलिए बेहतर है कि आप बोले कि माई नेम इज, है ना. आप बोले माई नेम इज निशांत, माई नेम इज सचिन, माई नेम इज गौरव, माई नेम इज संजना, जो भी आपका नाम है, वॉट एवर, आप ऐसे बोले. या आप कह सकते हैं आई एम राकेश, आई एम सुरेश, लाइक दिस. तो आप जो अपना नाम बता रहे हैं उसमें माई सेल्फ वर्ड का प्रयोग ना करें. जिनका हिंदी है वो कह सकते हैं मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो बताया, राइट. अच्छा अब देखिए जैसे ही ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें सारे बारीकियों पे बात करूंगा, है ना. आपके इंटरव्यू में, आपके एनवीएस के इंटरव्यू में या केवीएस के इंटरव्यू में जितनी बारीकियां होती हैं सब पे मैं बात करूंगा, है ना. ये कोई डिफरेंट वीडियो नहीं है, ये कंसर्न है ओनली केवीएस एंड एनवीएस, राइट. क्योंकि दोनों का इंटरव्यू का जो लेवल होता है, पैनल होता है, लगभग इक्विवेलेंट होता है. यहाँ तो बात हो गई. तो होता क्या है, जैसे ही आप अपना नाम बताएंगे उनको तो हो सकता है आपको वहीं वो रोक दें और फिर आपसे पूछेंगे, आपसे कहेंगे कि आप मुझे अपने नाम का मतलब बताइए. तो आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है. जैसे मेरा नाम निशांत है तो इसका मतलब क्या होता है, सुबह. तो आपको इसका मतलब होना चाहिए पता, राइट. अच्छा जैसे कि मान लीजिए नाम है अनुपम, तो हमें मालूम होना चाहिए जिसकी उपमा नहीं की जा सकती हो, राइट. तो आपको आपके नाम का मतलब पता होना चाहिए, पहली बात तो ये. अच्छा हो सकता है कभी कभी आपसे वो पूछ लें, अगला सवाल ये पूछ लें कि आप मुझे कोई ऐसा फेमस पर्सनालिटी बताइए जो आपके नाम से संबंधित हो. तो आप जरूर बताएं, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है सौरभ, तो मैं बोलूँगा सौरभ गांगुली, लाइक दिस, ठीक है. अच्छा या मेरा नाम है सुरेश, तो मैंने बोला सुरेश रैना, लाइक दिस. जो भी मतलब आप क्या कीजिए, आप अपने नाम पे पूरा रिसर्च करके जाइए, है ना. कि आपसे, और कभी कभी तो ये भी होता है कि वो कहेंगे कि आपके नाम से क्या कोई फेमस पर्सनालिटी है आपके सब्जेक्ट में, ठीक है. तो वो देख लीजिए आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है तो जरूर जो है उसको आप जाने, राइट. मतलब कुल मिला के आप अपने नाम पे पूरा रिसर्च कर लीजिए, ठीक है. अच्छा देखिए अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन क्या होता है नाम से, आप ये जानिए. देखिए क्या होता है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे आप वहाँ गए तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके गए या किसी भी तरह से जो भी देख लीजिए, आपका नाम उनको पता है, ठीक है. जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम है राकेश और उनको आपका देखा सब कुछ, भाई राकेश नाम है इसका, ठीक है, राकेश सिंह नाम है इसका. तो जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने कहा कि राकेश अपने बारे में बताएं या राकेश इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अब आप मान लीजिए स्टार्ट करते हैं ऐसे, हाय महेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. आई एम महेश, आई एम फ्रॉम माइल्स. कि
माई नेम इज राकेश, तो देखिए ये कितनी इडियोटिक बातें हैं, कितना स्टूपिडनेस है इसमें। आप खुद सोच के देखिए, जब सामने वाला व्यक्ति आपका नाम से आपको पुकार रहा है और फिर आप कह रहे हैं कि माई नेम इज राकेश, ये कहना कितना गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि आप रटे रटाए यहाँ आए हैं, तो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ ना करें, डोंट डू दिस सिली मिस्टेक्स, है ना। ये गलती बहुत पे भारी पड़ सकता है ना। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये पहला होता है सवाल होता है वहाँ पे आपसे, लेकिन मेरा मानना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन क्यों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द ओनली इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन का सच में बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ये बात तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या होगी कि आप अपने नाम पे पूरा रिसर्च करें, अपने नाम को आप अपने सब्जेक्ट से जोड़ लें, और साथ में अगर वो आपके नाम को लेके पुकार रहे हैं तो अपना नाम रिपीट ना करें। तो फिर आप कहाँ से स्टार्ट करें, अगला पॉइंट जो होगा आपके इसमें, तो आप बोलेंगे उसमें कि आई एम फ्रॉम, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, तो जैसे आपने बोला जयपुर राजस्थान, तो अब देखिए फिर हो सकता है कि यहाँ पे आपको रोके हो और आपसे पूछे कि आप मुझे जयपुर के बारे में बताएं। तो जयपुर के बारे में हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, जयपुर की हिस्ट्री का, और साथ साथ जो प्रेजेंट है उसका नॉलेज होना चाहिए, है ना। जो भी प्रेजेंट में जो मिनिस्टर है, लाइक दिस ऑल दिस थिंग, जो भी मेयर वेयर है, जो कुछ भी है, उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन, उसका पॉपुलेशन, उसका इतिहास क्या रहा है, वहाँ प्रसिद्ध क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब बात भी सही है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं अगर उसकी जानकारी ही नहीं है आपके पास, तो आप आगे का एक्सपेक्टेशन कैसे करें, ठीक है ना। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो आपका होम टाउन है, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने जयपुर बोला तो होम टाउन का मैं जिक्र किया, साथ में मैं जिक्र करूँगा अपने स्टेट का, क्योंकि जब वहाँ पहुँचेंगे तो हमें नहीं पता कि आपका कहाँ का है। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू कोलकाता में हो सकता है आपका इंटरव्यू जो हैदराबाद में हो सकता है आपका इंटरव्यू दिल्ली में हो, है ना। तो हो सकता है कि वहाँ जो पैनल में वो डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो आप ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने बोला राजस्थान से, तो ठीक हो सकता है यहाँ भी आपसे पूछे हो कि राजस्थान का जो भी बेसिक नॉलेज होता है ना, कि कितने उसमें डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या उसका एरिया है, किसके लिए वो प्रसिद्ध है, या वहाँ का जो हिस्ट्री है, वहाँ के राजा कैसे कैसे, जय सिंह, लाइक दिस, जो कुछ भी, स्वाय मान सिंह, मतलब वहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही आपको ये भी ध्यान देना होगा कि वहाँ का प्रेजेंट सिनारियो क्या है, प्रेजेंट में कौन वहाँ के सीएम है, लाइक दिस सो मेनी मिनिस्टर्स जो भी हैं, मतलब पूरे करेंट की जानकारी वहाँ से भी आपको होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपने बोला अपने बारे में, अपना नाम बताया, नाम पे पूरा रिसर्च, दूसरा आपने बोला आई एम फ्रॉम, उस पे जहाँ भी आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसके बारे में पूरा आपको एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं इसके बाद, अपनी गलती क्या करते हैं, वो बताएंगे कि माई फादर्स नेम इज, देखिए इंटरव्यू आपका हो रहा है ना कि मेरे पिताजी का इंटरव्यू हो रहा है, तो ऐसी गलतियाँ ना करें। कहते हैं कि इंटरव्यू का एक पॉलिसी होता है, उसको बोलते हैं किस पॉलिसी, के आई डबल एस, किस मतलब कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, है ना, कम शब्दों का यूज करें और अच्छा यूज करें, ठीक है। और देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, इंटरव्यू होता नहीं है बल्कि इंटरव्यू बनाया जाता है ना। आप जैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, आप जो भी आंसर देंगे उसी आंसर में से क्या होगा, आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसीलिए जो आंसर दीजिए बहुत ही स्मार्ट वे में आंसर दीजिए, और प्रयास कीजिए कि जो आपका इंटरव्यू है वो आपके बिल्कुल आप ही के बैरोमीटर में हो, है ना, आपके अकॉर्डिंग में चले। इसकी सारी मैं साइकोलॉजी बताऊंगा आपको बहुत तरीके से, ठीक है। चलिए आगे की वीडियोज में, अभी आइए हम अंडर द वीडियो रहते हैं, है ना, जो हमारा कंसर्न टॉपिक है। चलिए तो दो पॉइंट क्लियर है यहाँ पे, चलिए आइए थर्ड पॉइंट पे देखिए। तो जिक्र ना करें माई फादर्स नेम इज, ये वो आप खुद का इंटरव्यू दे रहे हैं, अब आप खुद पे आइए, ठीक है। अब देखिए जिस बदौलत आप वहाँ पहुँचे हैं वो है आपका क्या, एजुकेशन, है ना। आप जो वहाँ पहुँचे हैं, आपने एग्जाम क्रैक किया है, और आप जिस वजह से वहाँ पहुँचे हैं वो क्या है, आपका एजुकेशन। तो आप अपने एजुकेशन के बारे में बताइए, आप बताइए कि आई एम ग्रेजुएट इन, है ना, आप जिसमें भी ग्रेजुएट हैं उसके बारे में बताइए, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, आई एम ग्रेजुएट इन आर्ट्स, आई एम ग्रेजुएट इन साइंस, वट एवर, आई एम ग्रेजुएट इन, ठीक है। अच्छा, या तो आप ये पॉइंट बोलिए जैसा भी है, या फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ लोग गलतियाँ क्या करते हैं, वो बताएंगे माई 10th मार्कशीट, माई 12th मार्कशीट, माई ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर,
फालतू बातें नहीं, मैंने कभी बोला कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, ठीक है? आप सीधा एक लाइन बोलिए, उसी में सब कुछ आ जाएगा। आप चाहिए तो ऐसे बोलिए कि माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज, है ना, मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। अगर देखिए आपने बोला कि माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज बीएड, इसका मतलब अगर आपने बीएड किया है तो उसके नीचे जितना कुछ है सब आपने किया है, ऑब्वियस ही बात है ना, ठीक है? तो इसलिए आप क्या बोले, या तो बोले आई एम ग्रेजुएटिंग जो भी बोले, या फिर एक लाइन बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज, है ना, हिंदी में आप कह सकते हैं मेरा उच्चतम शिक्षा है, जो भी है उसके बारे में बता दें। ये बोलते ही सारी बात वहां आ जाएगी, भाई आपने क्या क्या किया, ठीक है? अच्छा, अब आप चाहें तो एक लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये जरूरी होता है कि आप कह सकते हैं कि आई हैव रिसेंटली डन, मैंने हाल फिलहाल में किया है, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने किया है, मान लीजिए कोर्स किया है, छोटा मोटा कोई कोर्स किया है, RSCIT किया है, या फिर आपने कोई भी कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है, तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। इससे ये मालूम चलता है कि जो बंदा है उसके पास एक अच्छी डिग्री भी है और साथ साथ में अपनी पढ़ाई को वो आज भी कंटिन्यू कर रहा है और रोज वो कुछ ना कुछ नया सीखने की जरूरत कर रहा है। तो आप ये डाल सकते हैं कि आई हैव रिसेंटली डन, ठीक है? तो क्वालिफिकेशन को लेकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के आप तीन पॉइंट रख सकते हैं, या तीन में से जो भी आपको दो पॉइंट अच्छा लगता है वो रख सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम ग्रेजुएट इन, जो भी है वो बताएं। उसके बाद आप कह सकते हैं माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज बीएड, लाइक जो कुछ भी बताएं, और आप बताएं आई हैव रिसेंटली डन, जो भी आपने हाल फिलहाल में किया है उसके बारे में बताएं, ठीक है? चलो आइए नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। पहला तो हो गया खुद के बारे में, आपने बताया नाम वाम बताया, उसके बाद जो है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आपने वो बताया, उसके बाद जो है आपने बताया अपने क्वालिफिकेशन के बारे में। अब थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे, यहाँ हम ये बात करेंगे स्किल एंड एक्सपीरियंस पे बात करेंगे, है ना? तो आप कहें कि आई एम क्वाइट गुड इन, है ना, जाहिर है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे PRT के आप जो है दे रहे हैं इंटरव्यू, चलिए PRT के दे रहे हैं, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है आप वो बता दीजिए कि आप इसमें अच्छे हैं। या फिर आपका TGT है तो वो तो आप जैसे सपोज कीजिए आपका हिस्ट्री है तो आप बताएंगे आई एम क्वाइट गुड इन हिस्ट्री, है ना, आई एम क्वाइट गुड इन हिंदी, आई एम क्वाइट गुड इन इंग्लिश, आई एम क्वाइट गुड इन वट एवर द सब्जेक्ट यू हैव, ठीक है? उसके बारे में बताएं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है आप इसमें डालें, अगर आपके पास कोई अनुभव है, कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो जरूर बताएं। आई एम कैरिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years, 2 years, वट एवर, 1 year, जो कुछ भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो बताएं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बताएं, ना हो तो ना बताएं, सीधी सी बात है, बी ऑनेस्ट, है ना, बिल्कुल ऑनेस्ट रह दीजिए और नेचुरल रहिए। जितना ऑनेस्ट आप बरतेंगे अपने आप से और जितना नेचुरल रहेंगे आपका इंटरव्यू उतना ही अच्छा जाएगा, ठीक है ना? अब आप चाहें तो थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, है ना, और आप कहें सो फार माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है मुझे एक भाई और एक बहन है, बस दैट्स इट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके इंट्रोडक्शन का, वो होता है हॉबी, है ना, वो हॉबी पे बहुत बात करते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये आपके इंटरव्यू का, है ना, इससे आपके बारे में बहुत कुछ मालूम चलता है, ठीक है? आप देखिए मैं यहाँ पे क्या गलतियाँ होती है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि प्लेइंग क्रिकेट, कुछ लोग बोलेंगे लिसनिंग म्यूजिक, कुछ लोग बोलेंगे कुकिंग, है ना, अच्छा वॉचिंग क्रिकेट, है ना, अधिकांश लोगों का यही आंसर होता है। अच्छा आप मुझे बताइए कि आप जब वहाँ टीचिंग के लिए गए हैं, है ना, MBS और KVS में, तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपके टीचिंग प्रोफेशन को क्या ये सूट करता है कि प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूजिक, कुकिंग, ये सब सूट करता, ट्रैवलिंग नहीं? तो थोड़ा सा आप यहाँ पे स्मार्टनेस जो है दिखाइए, बरतिए, और आप ये बताइए उनको कि आपका जो हॉबी है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो हॉबी है ये हमेशा आपके प्रोफेशन से मैच करना चाहिए। तो आप जो वहाँ गए हैं, आप वहाँ गए हैं क्यों भाई, टीचर बनने के लिए, सेंट्रल लेवल का टीचर बनना है आपको, तो आप जो है ऐसी हॉबी को बताइए जो आपके प्रोफेशन से सूट करे। तो आप वहाँ क्या बताएं, आप देखिए टीचर के को क्या सूट करता है, देखिए सबसे तो इम्पॉर्टेंट वो है भाई कि
जिसमें रीडिंग हैबिट है ना, और रीडिंग हैबिट सच में अपने आप में एक रॉयल हैबिट है ना। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़ते हैं, जो अच्छे अच्छे बुक पढ़ते हैं, है ना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए जो है आप क्या बताएं, आप कहें आई हैव कपल ऑफ हॉबीज, है ना, मेरे पास कपल ऑफ हॉबीज है, दो हॉबी है, दो हॉबी रखें आप वहाँ पे, ताकि उनके पास और ऑप्शंस हो और वहाँ से वो क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो जैसे आप बताएंगे आई हैव कपल ऑफ हॉबीज, तो पहला हॉबी तो आप ये बताएं कि रीडिंग बुक्स, ठीक है, आप बोले आई लव रीडिंग बुक्स या आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है आपको यहाँ वो रोक दें और आपसे पूछें कि अगर आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो आपका कौन कौन सा आपने फेवरेट किताब है वो बता दें, या कौन कौन सा बुक आपने पढ़ा है ये बता दें, या फिर रिसेंटली बुक आपने कौन सा पढ़ा है ये बता दें, ठीक है। तो अभी आपके पास वक्त है ना, आप प्रयास करें कि 3-4-5 बुक जो है, अच्छा अच्छा बुक्स मंगा लें आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर अकॉर्डिंग टू नॉवेल, या फिर आप ये कर लीजिए कि जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका हिंदी है तो हिंदी के अकॉर्डिंग कुछ बुक्स मंगवा लीजिए, लाइक कफन, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, छोटी बहू, ऐसे कुछ बुक मंगवा लीजिए। या आपको कोई फिक्शन पढ़ने का शौक है तो आप देख लीजिए लाइक अमित त्रिपाठी जी का कोई अच्छा सा बुक मंगवा लीजिए, ठीक है, लाइक स्क्वायर ऑफ इक्सवक्चू, ठीक है, जैसे कि सीवा ट्रायलॉजी, ऐसे बहुत सारे बुक हैं, कुछ भी मंगवा लीजिए आप, किसी भी लाइक चेतन भगत कोई अच्छी सी बुक मंगवा लीजिए आप, रॉबिन शर्मा की कोई अच्छी सी बुक पढ़ लीजिए आप, ठीक है, द मॉन्क हू सोल्ड फेरारी, 5 AM क्लब, कुछ भी, मतलब बहुत सारे बुक्स हैं, अच्छे अच्छे बुक्स हैं, आप वो मंगवा लीजिए। मैथमेटिक्स है तो रामानुजन जी का कोई बुक मंगवा लीजिए, या फिर जैसे कि मान लीजिए कि आप ऐसे बुक पढ़ते हैं लाइक आत्मकथा पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, तो आप मंगवा लीजिए लाइक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की मंगवा लीजिए, है ना, विंग्स ऑफ फायर, है ना, अग्नि की उड़ान मंगवा लीजिए आप, या उनके और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स हैं ना, लाइक आइज नाइटेड माइंड्स, हिंदी में तेजस्वी मन, ऐसे कोई भी बुक्स आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या अपने जो भी आपका फेवरेट जोन है उसके अकॉर्डिंग 3-4 बुक आप मंगवा लें, 5-6 बुक मंगवा लें और आप उसको पढ़ लें, है ना, कुछ भी लाइक स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी बुक आप पढ़ सकते हैं, लाइक टू द यूथ ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे उनके बुक हैं, है ना, वो आप मंगा के पढ़ सकते हैं, ठीक है, या जिनका भी आपको बायोग्राफी अच्छा लगता है वो आप पढ़ सकते हैं। मतलब आपको इस आंसर को बहुत स्मार्ट बनाना है, बहुत प्यारा आंसर होता है। तो आप जो है जरूर बोलिए, पहला हॉबी बताइए कि आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे आप बोलेंगे तो अच्छा, सोच के देखिए, आप खुद इंटरव्यू ले रहे हैं तो जैसे आपने ये आंसर बोला कि मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है तो अगला क्या पूछेगा वो, मैं बोला ना इंटरव्यू होता नहीं, इंटरव्यू बनाया जाता है, अगला आपको सर क्या पूछेगा, वो यही पूछेगा कि ठीक है आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है तो कौन कौन से किताब आपने पढ़े हैं बताइए। अब उसमें से कुछ क्वेश्चन उठेंगे, आपने वो किताब पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बताइए। देखिए आपने एक आंसर दिया, 3 क्वेश्चन वहां से पूछा गया और उस तीनों का आंसर आप दे पा रहे हैं, यही तो वो स्मार्टनेस, यही तो स्मार्टनेस है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट हॉबी तो ये हो गया। अच्छा, सेकंड हॉबी आप ये रख सकते हैं कि आई लव टीचिंग स्टूडेंट्स, है ना, मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना अच्छा लगता है। देखिए कितना फिट बैठ रहा है आपके प्रोफेशन को, क्योंकि आप टीचर वहां बनने के लिए हैं, आप कहेंगे कि आई लव टीचिंग स्टूडेंट्स। तो देखिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, आप कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं तो ये आपका है, आपको अच्छा लगता है, या फिर नहीं ऐसा तो आप ज़रूर बताएं कि मैं आसपास के बच्चों को बुला के पढ़ाता हूँ या किसी गवर्नमेंट स्कूल में जा करके, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, ऐसे ही मतलब सेवा के भाव से मैं वहाँ जाके पढ़ाता हूँ, जहाँ कहीं भी कुछ बच्चे मिल जाते हैं या जहाँ मेरा घर है वहाँ मैं कुछ बच्चों को अपने पास आसपास बुला के पढ़ाता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। अब देखिए ये आपका जो बोला आपने हॉबी, ये आपके प्रोफेसर को बिल्कुल सूट किया, क्योंकि यू हैव टू बिकम अ टीचर, राइट, या फिर आप कह सकते हैं कि आई लव गार्डनिंग, है ना, ये जो है क्योंकि अभी जो है इन्वायरमेंट का बहुत सारा इशूज है ना, नेचर जो है बिल्कुल अभी फेवरेट में, आप देखो कि जितने भी ऑफिस होते हैं उन सब में कुछ ना कुछ जो है लगाया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं, ये किए जाते हैं, वो किए जाते हैं, तो नेचर को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है अभी के टाइम पे। तो आप बताएं कि आई लव गार्डनिंग, आई लव प्लांटिंग ट्रीज, लाइक दिस, इस तरह की बातें आप बोलेंगे तो आपका बिल्कुल बैरोमीटर में, आप सोच के देखिए अगर आपने कह दिया कि मेरा हॉबी है क्रिकेट खेलना, अब आपसे पूछेंगे कि आप मुझे बताइए कि बॉल का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, कितने तरह के बॉल होते हैं उसमें, जो पिच होता है उसका डायमेंशन क्या होता है ना, सो मेनी क्वेश्चंस आप लग जाएंगे उसमें, और क्यों ऐसा क्यों करें, ऐसी गलती हम क्यों करें, है ना, क्यों नहीं आंसर को बिल्कुल स्मार्ट वे में दें। तो आप इस तरह से अपने हॉबी को रखें और फिर ये बोल के बिल्कुल ये नहीं कि आप चुप बैठ जाएं, आपका आपका जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो आप ये बोलें डेप्स ऑल अबाउट मी सर,
थैंक यू या दैट्स ऑल अबाउट मी मैम, जो भी है सामने, थैंक यू, राइट? अच्छा, मतलब थैंक यू तो हमेशा आपकी जुबान पे होना चाहिए उस इंटरव्यू में। तो अभी देखिए पूरा चीज मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या आपने सीखा इसमें। आपने सीखा सबसे पहले अपने बारे में बताया आपने, माई नेम इज, आई एम फ्रॉम या आई बिलोंग टू। उसके बाद जो है आपने इसमें ये बताया कि आई एम ग्रेजुएट इन, ओके, माई हाइएस्ट क्वालिफिकेशन इज, जो भी आपने बताया। उसके बाद जो है आपने इसमें बताया कि आई हैव रिसेंटली डन, जो भी कुछ किया है बताएं। उसके बाद जो है आपने बताया कि आई एम क्वाइट गुड इन, ओके, फिर आपने बताया अगर अनुभव है तो कि आई एम कैरिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ, और फिर आपने बताया अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि सो फार माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, और फिर आपने बताया अपने हॉबी के बारे में कि आई हैव कपल ऑफ हॉबीज, आई लव दिस या आई एम फाउंड ऑफ दिस, और फिर आपने बोला डेट्स ऑल अबाउट मी सर, थैंक यू। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन देना समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग वहाँ पे KVS या MBS के इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना। और हर एक के बारे में बारीकी से सोचिए कि अगर मैंने ये बोला है तो अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगर आपने इस विद्या पे कमांड कर लिया तो इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।